सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं। ये बिल्कुल फ्री है। आम आदमी के लिए एक और सस्ती कार लाने की तैयारी में है मारुति। बिल्कुल बजट में होगी कीमत। यह तस्वीर मारुति सुजुकी की नई कार वैगन आर की है। यह 2019 मॉडल है जिसे कंपनी जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाली है। भारत में पहली बार इस कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसकी तस्वीरें आप ऊपर देख सकते हैं। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई मारुति वैगन आर थोड़ी लंबी होगी और इसके अंदर ज्यादा जगह भी देखने को मिलेंगे। पहले की तरह ही इस कार का डिजाइन लंबा और ऊंचा होगा। इस कार में कंपनी 1 लीटर के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है, जो अधिकतम 67 bhp का पावर 90 Nm के टॉर्क पर प्रदान कर पाने में सक्षम होगा। इंजन संचालन के लिए इस कार में 5 स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है। कार के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें छोटे एलॉय व्हील्स के साथ क्रोम फिनिश वाले फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेंगे। एलईडी डीआरएल के साथ हैलोजन लाइट इसमें देखने को मिलेंगे। वही कार के इंटीरियर के बारे में अभी कोई जानकारियां उपलब्ध नहीं हुई है। नई मारुति सुजुकी वैगन आर 2019 BS6 उत्सर्जन नियमों का पालन करेगी, क्योंकि क्रैश टेस्ट में पास होना भारत सरकार ने सभी कंपनियों के कारों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसलिए इसमें ड्यूल एयरबैग्स के साथ ABS और ABD जैसे जरूरतमंद फीचर्स मौजूद होंगे। भारतीय बाजार में इस कार की कीमत 4 से 6 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला मुख्य रूप से टाटा टियागो और हुंडई सेंट्रो से होगा। तो यह कार आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमें लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताएं आपको यह कार कैसी लगो और क्या आप यह कार खरीदेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक की हमारे चैनल हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।